चिलवाताल थाना क्षेत्र के मानीराम सिंह चौर बाजार चौराहे के पास खड़े अपराधियों ने पिंटू सिंह का चैन व पैसा छीना। पिंटू सिंह को जान से मारने की नियत से गोली मार दी, जिससे पैर में गोली लग गई। अपराधी गोली चलाते हुए फरार हो गए। चिलवाताल पुलिस ने स्वाट टीम की मदद से तीन अभियुक्तों गौरव यादव उर्फ गोलू पुत्र सुरेंद्र निवासी रामपुर चक थाना चिलवाताल, जितेंद्र मौर्य पुत्र स्वर्गीय अभिनंदन मौर्य निवासी सिक्टौर शिक्षा और थाना चिलवाताल, नागेंद्र मौर्य पुत्र स्वर्गीय अभिनंदन मौर्य निवासी सिक्टौर थाना चिलवाताल को गिरफ्तार किया है। तीन अन्य अज्ञात अभियुक्त फरार होने में सफल हो गए। उनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। उन्हें भी बहुत ही जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस के सभागार में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि पिंटू सिंह को जान से मारने की नीयत से अवैध असलाह से पैर में गोली मारकर चैन और पैसा लेकर गोली चलाते हुए अपराधी फरार हो गए। गौरव यादव के ऊपर विभिन्न थाना अंतर्गत 8 मुकदमे पंजीकृत हैं, जो चिलवाताल थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। जितेंद्र मौर्य और नागेंद्र मौर्य के खिलाफ चिलवाताल थाना अंतर्गत 4-4 मुकदमे पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 3200 नगद, घटना में प्रयुक्त 2 नाजायज पिस्टल, 32 बोर, 2 अदद जिंदा खोखा कारतूस, 1 अदद अवैध तमंचा, 315 बोर अभियुक्त गढ़ों के कब्जे से बरामद हुआ है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक चिलवाताल विनय कुमार सरोज, उप निरीक्षक प्रभारी स्वाट टीम मनीष कुमार यादव, अबरीश बहादुर सिंह, कांस्टेबल रोशन कुमार, राहुल कुमार मौर्य, हेड कांस्टेबल राजमंगल सिंह, अरुण खरवार, राम इकबाल राव, कमलापति तिवारी, कांस्टेबल इंद्रेश कुमार वर्मा मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, लूट हुई थी तो उसमें इनका हाफ किया गया था, तो उसके बाद यही सीनियर फिर सके नारे बहुत सारे, ये दोनों सके भाई है, केवल हाफ ही हुआ था सर, दोनों हाफ हुआ था। पूछ लेते हैं गोलू भट्ट से, गोलू भट्ट है नेपाल में, तो इन्वेस्टिगेशन नहीं नहीं वो आएगा सर, शो तमंचे वो डी सर पसंद, हां सर क्या सुबह है ना जी, तो पसंद भी ये इतने मन भाई, ये पीछे तमंचे का सोर्स नहीं पता चला, हां सर अभी तो ऑपरेशन शुरू चल रहा है, नहीं नहीं घर वाले नहीं आईडी आता है सर, सामने देखिए दिनांक 12 जनवरी 2023 को थाना चिलवाताल में सिक्टौर के पास पिंटू सिंह और उनके एक साथी के साथ में कुछ लोगों ने मारपीट की, उनके पास से पैसे छीनने का प्रयास किया और उनके पैर में गोली मार दी। इस सूचना पर थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया और स्वाट टीम के साथ साथ थाने की टीम लगाई गई। इसमें आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें गौरव यादव, जितेंद्र मौर्य और नागेंद्र मौर्य ये 3 लोग हैं। ये तीनों पूर्व के बड़े अपराधी हैं। गौरव यादव पर 8 मुकदमे कायम हैं, जो कि चिलवाताल थाने का शीटर है। इसके अलावा जितेंद्र मौर्य और नागेंद्र मौर्य पर 4-4 मुकदमे हैं, जिनमें से लूट और डकैती के भी मुकदमे हैं। HS भी है गौरव यादव चिलवाताल थाने का, और इसी के द्वारा जो तमंचे बरामद हुए हैं उनको बेचा गया है, दूसरे लोगों को दिया गया है। अभी तक जो जांच प्रकाश में आया है कि उस समय 3 और लोग वहां पे मौजूद थे, उनकी भी तलाश पुलिस टीम द्वारा की जा रही है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। और जो 3 तमंचे बरामद हुए हैं उनके बारे में भी छानबीन की जा रही है कि वो किससे इसके पास आए, किससे किसके द्वारा बेचे गए, जो इसके द्वारा इस्तेमाल हुआ। ये दोनों आपस में पूर्व परिचित हैं, दोनों प्रॉपर्टी का कुछ काम करते हैं, उसमें आपस में विवाद हुआ है,
इसमें जो पिंटू मधेशिया है वो भी शीटर है, अपराधी है, और हालांकि जो पिंटू सिंह जिसके गोली लगी है उसके ऊपर कोई अपराध नहीं है, लेकिन उसका साथी जो था उसके ऊपर अपराध है।